हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर जो कि आपके जीवन की सक्सेस का आधार भी बनेगा। स्टडी पिलर देखो, आज का हमारा क्या टॉपिक है, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, इन पर करने वाले हैं हम एमसीक्यू, क्योंकि थ्योरी क्लास हम पहले कर चुके हैं अपनी ऐप पर, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जो जल है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जल का लिक्विड से गैस में परिवर्तन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वाष्पीकरण जो अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जल है जो वो लिक्विड अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तीन फॉर्म होती है हमारी, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। द्रव का गैस में बदलना, परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित बादलों के प्रकारों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पहले ये बताइए, बादल के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के बादल हैं, जल्दी से बताइए। अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइए, उनका नाम भी बताना है। चार प्रकार के होते हैं, एक होता है पक्षाभ और एक होता है कपासी, कपासी मेघ, पक्षाभ मेघ, स्त्री मेघ और एक होता है वर्षा मेघ। इन चार मेघों में से जल्दी से बताइए, कौन सा मेघ, कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है? ऑप्शन ए आपका वर्षा मेघ, ऑप्शन बी स्त्री मेघ, ऑप्शन सी पक्षाभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो सबसे ऊंचा बादल है पक्षाभ, यानी ऑप्शन सी है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पक्षाभ बादल ये आकाश में सबसे ऊंचा बादल है, मेघ है, और ये चार प्रकार के होते हैं, देख लेना, पक्षाभ, कपासी, सत्री और वर्षा मेघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? अभी हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें जो जल है वो द्रव अवस्था से किसमें चेंज हो रहा था, गैस में चेंज हो रहा था। तो वो प्रक्रिया क्या क्या कहलाई थी, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अब क्या है, अब गैस अवस्था से किसमें परिवर्तन हो रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है संघनन, यानी ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इनको याद रख लेना, जो वाष्पीकरण अभिक्रिया है ये संघनन प्रक्रिया की क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। यानी ये इन चारों में से वायु की वह कौन सी दशा को दर्शाती है जिसमें नमी उसकी क्षमता के अनुरूप होती है, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है
उतनी ही उसमें क्या होती है, नमी होती है। यानी अगर आपको जितनी भूख लगी हुई है ना, और आपने उतना ही खाना खाया है, तो इससे आपकी आत्मा कितनी हो, यानी कैसी हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी आपकी आत्मा। आपको जितने पैसे की जरूरत है, उतना ही आपको पैसा मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। इसका मतलब क्या राइट आंसर है, संतृप्त हवा। जितनी उसमें नमी लेने की, नमी धारण करने की क्षमता थी, उतनी नमी उसके अंदर है तो वो कैसी हवा होगी, संतृप्त हवा होगी। यानी ऑप्शन ए है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल जल वायुमंडल में कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जल वायुमंडल में कौन सी अवस्था में पाया जाता है, कौन से फॉर्म में पाया जाता है? कितनी अवस्थाएं होती हैं टोटल? टोटल तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इसने ये पूछा, जो ये पानी है, जल है, ये इन तीनों में से कौन सी अवस्था में पाया जाता है, कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? जल पाया जाता है ठोस में, द्रव में या गैस में, या तीनों में? तीनों ही अवस्था में पाया जाता है जल, ठोस अवस्था में भी, द्रव में भी और गैसीय अवस्था में भी। तो ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, या फिर आपका राइट आंसर डी है क्या, जिसका यानी कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? देखो बैरोमीटर क्या क्या काम करता है, ये वायु दाब को मापता है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र है ये बैरोमीटर। और हाइड्रोमीटर ये मापता है घनत्व को, डेंसिटी, यानी घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर ये मापता है वायुमंडल में आर्द्रता को, आर्द्रता को मापता है कौन, हाइग्रोमीटर। यानी ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओस, ओस किस प्रक्रिया का एक रूप है, जल्दी से बताइए। ओस जो सुबह सुबह ये ओस पड़ती है ना, सुबह पड़ती भी है, सुबह भी पड़ती है और शाम को भी पड़ती है ओस, तो इस ओस यानी किस प्रक्रिया का ये एग्जाम्पल है, रूप है, वाष्पीकरण का, संघनन का, उर्ध्वपातन का, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओस ये कैसी प्रक्रिया का है, ये है आपकी संघनन प्रक्रिया का एक रूप है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है बिल्कुल। देखो जो ओस क्या होती है, ये वातावरण में फैले हुए वाष्प का वह रूप होता है जो जमकर जल बिंदु या फिर छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में, यानी बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। ठीक है, जो ओस बनने की प्रक्रिया है ना, ये संघनन प्रक्रिया का एक रूप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? देखो ओस बनने के लिए पांच अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो जल्दी से बताइए कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए लंबी रातें, ऑप्शन बी शांत वायु, ऑप्शन सी ओसांग का हिमांक से ऊंचा होना, ऑप्शन डी इनमें, या फिर ये सभी ही ठीक है आपके। देखो ओस बनने के ना पांच अनुकूल परिस्थितियां हैं, तीन तो ये हो गई, यानी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी।
लेकिन इसके इन पांचों के नाम लिखो। सबसे पहले लंबी रातें, सेकंड नंबर पर मेघ रहित, मेघ रहित आकाश, थर्ड शांत वायु, फोर्थ जो औसांक बिंदु है उसका हिमांक से ऊंचा होना, औसांक का हिमांक बिंदु से ऊंचा होना, और लास्ट पॉइंट क्या है, सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना। सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना, ये पांच रीजन है, ये पांच परिस्थितियां हैं ओस बनने के अनुकूल। जल का हिमांक बिंदु कितने सेल्सियस होता है, जल का जो हिमांक बिंदु है वो कितने सेल्सियस होता है? ऑप्शन ए 100 सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 के, के का मतलब क्या होता है, केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 एफ, एफ का मतलब होता है फारेनहाइट, ठीक है, जो तापमान है ना उसको केल्विन में भी माप सकते हैं, फारेनहाइट में भी माप सकते हैं, सेल्सियस में भी माप सकते हैं, ठीक है। तो बताइए जल का हिमांक बिंदु, जल कितने डिग्री पर जम जाता है, 0 डिग्री, बट केल्विन नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा बादल का प्रकार नहीं है, इन चार ऑप्शनों में से जल्दी से बताइए कौन सा है जो बादल का प्रकार नहीं है। मैंने ना पिछले क्वेश्चन में आपको बादल के चार प्रकार बताए थे, बादल के चार प्रकार बताए थे, उनमें से कौन सा है जो बादल का प्रकार नहीं है, ठीक है, पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, सत्री मेघ, या फिर निरपेक्ष मेघ, क्या क्या बताए थे मैंने नाम बादलों के प्रकार के, टाइप के, पक्षा मेघ, कपासी मेघ, सत्री मेघ और वर्षा मेघ। तो क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी निरपेक्ष मेघ, ये कोई मेघ नहीं है, ये कोई बादल का कोई टाइप नहीं है, निरपेक्ष आर्द्रता का टाइप है ये, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता का एक टाइप है ना कि बादल का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पक्षाभ, पक्षाभ मेघ का निर्माण कितनी ऊंचाई पर होता है, जो आपका पक्षाभ मेघ है, देखो हमने अभी पढ़ा भी था कि सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है बादल, पक्षाभ मेघ, देखो राइट आंसर आपको यहां भी मिल गया इसका, इसका इसकी ऊंचाई यानी पक्षाभ मेघ का निर्माण कितनी हाइट पर होता है, ऑप्शन ए 4000 से 7000 मीटर, ऑप्शन बी 1100 से 1500 मीटर, ऑप्शन सी 1500 से 2000 मीटर, ऑप्शन डी 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पक्षाभ मेघ है इनका निर्माण हुआ है कितनी ऊंचाई पर होता है, 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है इनका निर्माण, यानी ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ का निर्माण होता है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर, और जो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होता है कपासी मेघ का निर्माण, कपासी मेघ पूछ लिया जाए आपसे इसका निर्माण कितनी ऊंचाई पर होता है, 4000 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई तक। अब चलते हैं कौन से बादल हैं जो परतदार होते हैं, जो मैंने आपको ये चार टाइपें बताई हैं बादलों की, इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन सी हैं जो परतदार होती हैं, ऑप्शन ए पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, या फिर वर्षा मेघ, यानी कौन से हैं जल्दी से बताओ, सत्री मेघ, सत्री मेघ जो सत्री बादल होते हैं ये हैं आपके परतदार बादल या फिर मेघ, ठीक है।
चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देना भूल गया मैं, ठीक है बताओ बिना ऑप्शन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। स्तनवनीय प्रकार की जो वर्षा होती है ये अधिकतर किन प्रदेशों में प्राय दिन के समय होती है। जो स्तनवनीय प्रकार की वर्षा होती है ना, देखो वर्षा तीन प्रकार की होती है, जो वर्षा है ये तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है स्तनवनीय और एक होती है पर्वतकट, पर्वतकट वर्षा, और एक होती है चक्रवाती, चक्रवाती वर्षा। ये तीन प्रकार की वर्षा होती है, तो आपको क्या बताना है कि जो स्तनवनीय प्रकार की वर्षा है ये अधिकतर मोस्टली इन प्रदेशों में होती है, वो भी दिन के समय में। ये होती है आपकी भूमध्य, भूमध्य जो रेखीय प्रदेश है, भूमध्य, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, प्रदेशों में दिन के समय होती है, ठीक है। तो ये थे आपके जो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद कर लेना, रिवाइज करें जल्दी से। चलो फिर कर लेते हैं जल्दी से रिवाइज इनको। देखो वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे जल लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदलता है, वो अभिक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। और संघनन क्या होती है, संघनन वाष्पीकरण की बिल्कुल अपोजिट होती है, इसमें जल गैस अवस्था से द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होता है। सेकंड क्वेश्चन, बादलों के प्रकार में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, पक्षा बादल, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और पक्षा बादल है ये कितनी हाइट पर इसका निर्माण होता है, 8000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो जिसमें जल गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, अभी हमने डिस्कस किया था संघनन। देखो कौन सी वायु की उस दशा को दर्शाती है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, जितनी उसमें कैपेसिटी होती है उतनी उसमें नमी धारण करती है, तो ऐसी हवा को क्या नाम दिया गया है, संतृप्त हवा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल वायुमंडल में कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर मापता है घंटों को, बैरोमीटर मापता है वायु दाब को। ओस एक संघनन प्रक्रिया का एग्जांपल है, ओस बनने के लिए पांच अनुकूल परिस्थितियां होना जरूरी है, लंबी रातें, मेघ रहित बादल, शांत वायु और ओशांक का हिमांक से ऊंचा होना, सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना। जल का जो हिमांक बिंदु है कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन नहीं, ठीक है याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का प्रकार नहीं है, पक्षा भी बादल है, कपासी भी, सत्री भी, और एक वर्षा बादल, वर्षा मेघ भी होता है, तो निरपेक्ष मेघ, तो ये निरपेक्ष मेघ है ना, ऑप्शन डी, ये एक आर्द्रता है, आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता का प्रकार है, एक टाइप है। जो पक्षा मेघ है इसका निर्माण कितनी हाइट पर होता है, 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर, सबसे ऊंचा होता है ये, ठीक है। कौन से बादल पर्वतदार होते हैं, सत्री बादल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्तनवनीय जो प्रकार की वर्षा है ये मोस्टली कहाँ किन प्रदेशों में होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन के समय होती है। ये थे आपके 13 क्वेश्चन, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, क्लास को करते हैं ऑफ, थैंक यू सो मच।